हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में 11 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वी हैव डन टिल द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज 11.2। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। सो स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस एंड हियर वी हैव अ टू केसेस व्हेन आवर लाइन कैन बी डिफाइंड। द फर्स्ट वन केस इज दैट आवर लाइन पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। And second case, when our line passes through two given points, that is, in first condition we have a point from where our line passes and a vector which is parallel to our required vector, required line. And in second case we have two points from where our line passes. ये दो conditions ही available हैं। ये मत समझना कि अभी जो मैं कराऊंगा कि ऐसे कितने केस निकल सकते हैं। ये मैंने डिस्कस किए हैं, इनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझाए हुए हैं। मैं फिर भी ऐसी बात कर रहा था एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। हमें स्टूडेंट वेक्टर एंड कार्टेशियन जो फॉर्म होती है लाइन की वो निकालनी है, एक बात। दूसरी बात कि लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट 5, -2, 3। मतलब ओरिजिन से भी लाइन पास करती है। अभी हमेशा ही हर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती, कोई लाइन ऐसे जा सकती थी, ये ओरिजिन से स्पेशली पास कर रही है, यानी कि इसका एक पॉइंट गिवन है थ्रू विच लाइन आर पासेस, आवर लाइन पासेस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट भी गिवन है, कोई पॉइंट कहीं भी सपोज कर लो, मैंने ऐसे सपोज कर लिया 5, -2, 3, लेट से पॉइंट पी से कह दिया। अब ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इन दोनों पॉइंट से होकर हमारी लाइन को पास करना ही एक नेसेसरी कंडीशन है। मुझे बताएं, अगर आपको मैं बोलूं इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, आप बोलेंगे इन्फाइनेट। मैं बोलूं अच्छा पी पॉइंट से, आप बोलेंगे इन्फाइनेट। लेकिन मैं कहूं इन दोनों से होकर, यानी कि इससे भी जाए उससे भी जाए, कितनी लाइन, एक ही लाइन पॉसिबल है, एक ही लाइन पॉसिबल है। कंबाइनली बात कर रहा हूं कि इससे भी जानी चाहिए इससे भी, तो एक ही पॉसिबल। जब लाइन यूनिक बन जाती है तो समझ जाया करो कि वो रिक्वायर्ड जितनी सिचुएशन हमें दी गई है वो सफिशियंट है उसको डिफाइन करने के लिए। मैंने आपको ऐसा पहले भी कहा है, ठीक है ना। और टाइम क्या होता था, एक वेक्टर मिलता था, यानी कि एक पॉइंट मिलता था जहां से लाइन पास होती थी। लेकिन एक पॉइंट से तो लाइन कहीं भी पास हो सकती है, लेकिन कहा जाता था नहीं, इस वेक्टर के ही पैरेलल होनी चाहिए। तो आपको फिर डायरेक्शन फिक्स कर दी कि ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे ही जाना पड़ेगा पॉइंट से। तो वो भी यूनिकनेस की कंडीशन थी। उस समय में एक पॉइंट गिवन होता था और एक वेक्टर गिवन होता था। अब आप ये ना सोचने लग जाएं कि वेक्टर कहां से लाए पैरेलल वाला, इस बार दो के दो गिवन है ना कंडीशन, इनसे ही बात बन जाए, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। मैग्नीट्यूड भी इसका डिफाइंड है, यानी कि डायरेक्शन भी डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ये हमारी लाइन है जो ऐसे कर पास कर रही है, कुछ ऐसे करके कोई लाइन हमारी पास कर रही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमें इस लाइन की क्या बतानी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अरे बहुत इजी केस है, हमें पता है दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अभी तक पहली पॉसिबिलिटी को बार बार पढ़ रहे थे, ये पहला केस है जहां पर दो के दो पॉइंट्स हमें मिले हैं और हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इजंट इट। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर आर लाइन पासिस, वो उसके पोजिशन वैक्टर्स है। अच्छा मुझे बताओ एक बात कि हमें ए वैक्टर के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए। आप आराम से समझना बात को, मेरी बात को ध्यान से समझो। ए वैक्टर और बी वैक्टर वो उस पॉइंट के पोजिशन वैक्टर हैं जिन पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है। पोजिशन वैक्टर कैसे निकलते हैं, पॉइंट्स को ओरिजिन से कनेक्ट कर। अब ये इसी पॉइंट से जा रही है और ये पॉइंट खुद ओरिजिन ही है, तो इसको ओरिजिन से क्या कनेक्ट करोगे, ये पॉइंट तो ऑलरेडी ओरिजिन से कनेक्टेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। आराम से बोलोगे 0i+0j+0k। सीधे सीधे आप इसे जीरो वेक्टर भी कह सकते हो। अच्छा तो दूसरा पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकालो, आप बोलोगे उसे भी उसे ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये मत समझना कि दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना, नहीं नहीं, वो एक पर्टिकुलर केस बन गया। ऐसे दो पॉइंट होते ना, मान लिया लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही होती, ये कोई एक x1 y1 होता, z1 होता, ये कोई x2 y2 z2 होता, जैसे वो अभी इस तरह से गिवन है, वो ये होते। ये एक जनरल केस है, वो पर्टिकुलर हो गया इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप ऐसे करते, आप इसका पोजीशन वेक्टर जैसे ही कनेक्ट करते तो इसे ए वेक्टर बोलते, इसका पोजीशन वेक्टर जैसे ही कनेक्ट करते इसे बी वेक्टर बोलते। मुझे बताइए ए वेक्टर इस पर्टिकुलर केस में खुद ओरिजिन ही हो गया ना, क्योंकि वो पॉइंट और कोई नहीं, खुद ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहां चले गया खुद। अब दूसरे पॉइंट को मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि मैं दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूं, वो अब कंडीशन ही कुछ ऐसी बन गई क्या करें, कि ओरिजिन ही पहला पॉइंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको दूसरे से कनेक्ट करके इसका पोजीशन वेक्टर निकाले, और जो इसका पोजीशन वेक्टर निकलेगा उसे बी वेक्टर कहेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर जो निकलेगा उसे बी वेक्टर कहेंगे। और वो कैसे निकलेगा, 5i कैप
माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, समझो बात को, इतनी सी तो बात है बस, क्लियरली समझ पा रहे, सही लिखा हुआ है, पॉइंट सही है, ये है बस बात, इतनी सी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी यहाँ पर, बात क्या है, थोड़ा सा ना अपना भी सोचो जरा, ठीक है। मैं पूरी तरीके से इतना समझाने के बावजूद भी मैं मानता जरूर हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई बात रह जाए, लेकिन फिर मैं इतना भी मानता हूँ कि बात इतनी ही रह पाएगी कि आप उसे समझने की कोशिश करें तो समझ आ जाएगी, समझ पाई बात, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं करना वहां पर, वैल्यू तो प्लेस करनी है, तो आप बोलो कि ये हमारी पोलर फॉर्म निकल रही है, क्या हो गई, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर कर दो, ये माइनस ये 5i कैप ही हो जाएगा, वो माइनस वो ही हो जाएगा माइनस 2j कैप, वो माइनस 4 3k कैप ही हो जाएगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर किया मैंने, ध्यान रखो ये इक्वेशन है लाइक, ऐसे लिखो तो परफेक्टली अच्छा माने जाएगा, कोई जीरो हटा देना चाहता है तो हटा ले, उसमें कोई बात नहीं। अभी कार्टेशियन फॉर्म हम सभी जानते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कैसे होती है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्म निकलती है आपकी x माइनस एक्स वन ओवर a इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर b, चलो कोई बात नहीं मैं लिखता हूँ z माइनस जेड वन ओवर c, ये थी तब जब हमारी लाइन एक पॉइंट से पास करती थी और दूसरे के वेक्टर गिवन होता था जो पैरेलल होता था। अच्छा अभी के केस में a कैसे निकालते हैं जानते तो हो ना बात को, हाँ हम जिस लाइन की, देखो ये एक बड़ा इन्होंने फंसाने वाला केस डाला, मैं सीधी बात बता दूं आपको, इसकी जरा कोई और क्वेश्चन होता तो मेरी बात सुनो आप, मैं फिर से लिंक करता हूँ बात को, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए डाला है आपको पूरी तरीके से, अरे मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा मतलब माने जाने, मुझे मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअली लग रहा है कि दमदार क्वेश्चन है, भले ही वो बात अलग है कि कोई इसे याद कर कर कैसे भी कर ले आंसर निकल जाएगा, लेकिन नहीं ये अच्छा काम करा हुआ है इन्होंने, एक अच्छा अप्रोच दे रखा है क्वेश्चन को, ये थे ना वो एक्स टू वाई टू जेड टू और ये x1 y1 z1, ध्यान से समझ लो मैं तभी इसे डिटेल में बता रहा हूँ, ये पॉइंट टू का प्लीज अभी उसने ले रखा है, जरा समझते हुए चलो बात को, ठीक है समझ लो बात को, इन पॉइंट्स का प्लीज अभी इन्होंने ले रखा है, यानी ये पॉइंट और कोई नहीं है, ये खुद यही है। तो स्टूडेंट्स ये a वेक्टर बोल रहा हूँ मैं इसे और मैं इसे b वेक्टर बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो, हमें क्या निकालना है, हमें वो लाइन निकालनी है जो इन पॉइंटों से पास करके जाती है, यानी ये, अब ये लाइन निकालनी है तो अगर मैंने ये वेक्टर निकाल लिया और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए तो वो डायरेक्शन रेशियो ही तो मुझे यहाँ रखने, अब अच्छा बताओ मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालते कैसे, मैंने बता रखा है वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं करना पड़ता, उसके फर्स्ट और फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेना पड़ता, तरीके से समझाया मैंने, लेकिन मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि एक्स टू माइनस एक्स वन ये एक डायरेक्शन रेशियो हो गया, एक्स कह रहा हूँ वाई टू माइनस वाई वन ये हो गया और जेड टू माइनस जेड वन ये हो गया, ये आपके करस्पॉन्डिंगली ए बी सी डी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हो गए ऐसे, अभी देखोगे तो फाइव माइनस जीरो माइनस टू जीरो ये निकलने वाले हैं ना बस, और कुछ नहीं होता, इसी को लोग दूसरे सेंस में बताऊं सीधे सीधे कह देते हैं कि यहाँ ए बी सी मत रखा करो, बोलते हैं ए बी सी मत रखा करो, जब दो लाइन गिवन होती है दो पॉइंट्स गिवन होते हैं ऐसे रखा करो, अब बताओ ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, बोलते हैं ये लिख लिया करो क्योंकि इन्हें पता है तरीके से हम आए हैं, ये बात समझो आप, समझने वाली बात ये है ये, अब फिर आप पूछेंगे ना कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसे पूछते हैं आप लोग कि एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ समझते हो तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, फिर कोई चांस ही नहीं है कि नहीं होगा, ये चीज़ समझ गए ना अगर आप बात जो मैंने बोली तो आएगा मजा, और ऐसा मत सोचना अभी समझा, थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ेगा फिर और अच्छे तरीके से आएगा, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा तीन बार समझाऊंगा, मैं समझाता रहूंगा बहुत बार समझिए बात, लेकिन अभी तक बात समझ जाओ कि इतना अच्छा ये मतलब होता है इसका, तो ये है, और मैं सीधे भी कह लेता आपको कि लाइन की इक्वेशन ये होती है, सीधे भी कह सकता था ना, मैंने सोचा एक बार दोबारा से डिस्कस कर लूँ। अच्छा वैल्यू तो रिप्लेस करनी है, एक्स वन की वैल्यू रखते हुए चलो, देखो इसको एक्स वन वाई वन जेड वन कह लो, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू कह लो, बचा क्या कुछ भी नहीं, एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज फाइव माइनस जीरो और ये आपका हो गया वाई माइनस वाई वन ओवर माइनस टू माइनस जीरो जेड माइनस जेड वन ओवर जेड वन का मतलब जीरो और ओवर कितना हो गया z2 माइनस z1 दैट इज 3 माइनस 0 यानी कि x ओवर 5 y ओवर माइनस 2 z ओवर 3 ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है isn't it? ऐसे करना है स्टूडेंट समझ में आएगी नहीं बात ऐसे करना पड़ता है ठीक है अब कर रहा हूँ ठीक है ना समझ में आई नहीं आई बात ऐसे करना है ठीक है ना बात को समझो बात को और वो काम करो जो होने लायक है मतलब जिसे करना चाहिए आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं है हमारा एम मैंने बोल दिया आपको क्योंकि जब हम एनसीईआरटी को तरीके से कर रहे हैं इसका मतलब ये कि हम सारी बुकों का भी किनारे में रख रहे हैं मैंने कहा वो वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करा करो कि एक बुक को पाँच बार पढ़ना है न कि पाँच बुकों को एक एक बार
समझ में आ रही बात। एक बुक को 5 बार पढ़ने का मतलब ही ऐसा हुआ ना कि एक बुक को 5 बार पढ़ लिया ऐसे ही, ऐसे भी नहीं। एक बुक पर इतना एनालिसिस करो कि लगे कि क्वेश्चन ये भी है, वो भी है, वो भी है, एक ही क्वेश्चन से, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 जरा समझते हुए चलना। चलो एक अच्छी बात हो गई कि वैसे ही क्वेश्चन दोबारा आ गया, अब मजा आएगा, ठीक है ना। अब किसी ने अगर वो समझा होगा ध्यान से तो वही समझेगा, नहीं समझा होगा तो फिर ये समझ कर तो डेफिनेटली अब हो ही जाएगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन दोबारा से, वैसे ही क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन वंस अगेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3-2-5 से पास करती है, 3-2-6 से पास करती है, ठीक है। ये लाइन हमसे बोला गया फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। अब मुझे बताओ ये लाइन है, ठीक है। सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारा काम है जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हें सबसे पहले कनेक्ट करो, ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। कनेक्ट कर दिया, ये आया, ये कनेक्ट कर दिया, ये आया बस। अच्छा ये कौन कौन है, किसी भी एक को, अब ये मत सोचना ए वेक्टर किसे कहूँ बी वेक्टर किसे कहूँ, किसी को भी कह लो, मैंने इस तरफ वाले को कह लिया बी वेक्टर, ये हो गया, ये है ए वेक्टर बी वेक्टर जो इक्वेशन में यूज होंगे। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो यूज होने, बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई। अब मुझे बताओ वेक्टर कैसे निकालोगे, ये तो पॉइंट्स है ना, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, कुछ नाम दे दो इसे पी क्यू। तो आप जानते हो कि ओपी वेक्टर ही आपका ए वेक्टर है जो आपने सपोज किया है, जो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप है। ऐसे स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि ओ क्यू वैक्टर जो है यही आपका बी वैक्टर है जो कि आपका 3i कैप, फिर अच्छा ये ऐसे ही है क्या पॉइंट, एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, माइनस 2j कैप और आपका प्लस 6k कैप है, बोलो हो गया नहीं हो गया कहा। अरे यही तो वो होंगे जिन्हें आप थोड़ी देर बाद x1, y1, z1 कहने वाले हो, और यही तो वो होंगे जिन्हें आप थोड़ी देर बाद x2, y2, z2 कहने वाले हो, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन, समझ जाओ बात को, बात खत्म हो जाएगी, लेसन खत्म हो जाएगा। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, आराम से प्लेस करो, a वेक्टर ये था, अब समझ में आ रही ना बात, अब इसको लिंक करना पीछे से, प्रॉब्लम हुई किसी को आप जाना पीछे, पूरा समझ में आएगा। 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये a वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या है, देखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया बस। अब ओपन ज़्यादा मत करो, इतना ही रहने दो ताकि कोई बाहर से आए तो वो भी समझ जाए लाइन कहाँ से पास कर रही है, क्या है क्या नहीं है, इसे देख के। अब आप अरेंज कर लोगे आई आई एक तरफ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, वरना कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कार्टेशियन फॉर्म है, हमें पता है एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए होता था, और क्योंकि ए अभी इसका निकालना है क्योंकि ये लाइन है हमारी, तो इसका ये क्या होगा x2-x1। देखो समझो बात को, ठीक है ना, मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ समझा कर, वो आनी चाहिए समझ में फॉर्मूला, वरना तो आप फॉर्मूला यही सवाल पूछते रह जाएंगे कि फॉर्मूला कैसे याद करें, जबकि वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात ही समझ में, जिसको बात समझ में आ जाएगी वो कभी ऐसे पूछेगा नहीं कि फॉर्मूला कैसे याद करें, समझ में आ रही है ना बात, और जिसको बात समझ में आ जाएगी उसे फॉर्मूला समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर, x-x1 रखते हुए चलो, अब वैल्यू हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी ना सारी बात, x2-x1 3-3 0, y-y1 मतलब ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, नीचे 2-2 अगेन 0, ठीक है, -2 -- प्लस ना, z1 ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5, अब पॉइंट्स क्या करा हमने सही किया, हाँ ठीक है, और 6-5 तो कितना जाएगा 11, ये है बस। अब ये मत सोचने लग जाना इनफाइनाइट जैसा कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ आपका इज इक्वल टू में कुछ चीज आती है, मान लिया यहाँ इज इक्वल टू में 5 आ गया, तो 0 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 0 का 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, समझ में आ रही बात, तो वो मत समझना इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना, ठीक है। वो बता रहा है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज 0 0 11 है, किसके, यस इसके, ये जो आपका ये वेक्टर है ना पी क्यू वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज 0 0 11 है, ये है, यानी कि इसके पैरेलल जो वेक्टर हो सकता है वो ये हो सकता है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 11k कैप टाइप के, ये टाइप का हो सकता है। इसका लैम्डा टाइम्स के जो होंगे ना, इसका कुछ कुछ भी टाइम लैम्डा टाइम, वो सारे वेक्टर इसकी पैरेलल वेक्टर की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पैरेलल ही न जाने कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, वो सब इसके ही फॉर्म के होंगे, ठीक है, उसके लैम्डा टाइम्स यानी उसके कुछ भी टाइम्स होंगे लेकिन होंगे उसी के, क्लियर है। अभी और कुछ तो नहीं करना, नहीं कार्टेशियन में निकाल लिए, ठीक है,
देखो इतना इजी है क्वेश्चन, बताओ। अरे ये एज इट इज आ जाता है, ठीक है, और हम इसे छोड़ के आ जाते हैं, ये क्या बात हुई, है ना। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे लेसन आप कर कर आ रहे हैं, इतने पीछे का पढ़ कर आ रहे हैं और पढ़ते ही रह रहोगे। फिर कहता हूँ स्ट्रेटेजी फॉलो करना जो मैंने बताई है, ठीक है ना। टेंथ, नाउ फाइंड द एंगल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो बात को, ठीक है ना। है क्या क्वेश्चन, मैं क्या है, वरना कैसे फॉर्मूला बेस्ड है, आप पीछे से एग्जाम्पल देख कर भी कर सकते हो, इतनी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फील नहीं आएगा फिर, मतलब करोगे तरीके से क्यों नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना फिर फील लाना है मेन बात, इसलिए तरीके से समझना बात को। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन आर वैक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ये हो गया आपका टू माइनस फाइव वन थ्री टू सिक्स, ठीक है, और एक ही अच्छा सिक्स के तक ही है, इसका जे कंपोनेंट गायब है, ध्यान रखना जे का कंपोनेंट जीरो है, ठीक है, ध्यान रखना बड़े उससे समझना, म्यू है ये क्वेश्चन है, सेवन माइनस सिक्स आई टू जे टू के, क्लियर है, टू माइनस फाइव प्लस वन थ्री टू सिक्स, क्लियर है। स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है, अभी कैसे करोगे जरा समझना, तरीके से समझना, पहले बात को समझे तरीके से, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, हो क्या रहा है, यानी कि बोला क्या गया वो समझने के पर फोकस करो, वरना फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है लाइन का, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहला क्वेश्चन है तो तरीके से फॉर्मूला भी एक तरह से डिराइव करके ही काम चलाएंगे, ठीक है, तरीके से समझो बात को, है क्या क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, वाई जेड, क्लियर है, देखना स्टूडेंट ध्यान से समझना, ठीक है, जीरो जीरो जीरो, क्लियर, अच्छा क्या क्या बात है, ये कौन होगा कोई बता सकता है, यस yes, ये इस पर्टिकुलर का ए वेक्टर होगा, ये इसका पर्टिकुलर का बी वेक्टर होगा, अब क्योंकि इसमें भी फिर ए वेक्टर बी वेक्टर आएगा, इसलिए ए वन कह देता हूँ, इसे बी वन कह देता हूँ, तो इस वाले को स्टूडेंट्स में ए टू वेक्टर कह लेता हूँ, इस वाले को मैं बी टू वेक्टर कह लेता हूँ इसका, तो ये कहीं ना कहीं ए वन प्लस लैम्डा बी वन टाइप की फॉर्म है, ये ए वन ए टू प्लस, ये भी वही फॉर्म है कॉन्स्टेंट टाइम, अच्छा मुझे बताओ कौन क्या करता था, इस ऊपर वाले वेक्टर की लाइन की इक्वेशन है करेक्ट, ठीक है, ये ए वेक्टर कौन होता होगा, यस ये ए वेक्टर उसका पोजिशन वेक्टर था जहां से हमारी लाइन पास कर रही थी, अब हमारी लाइन पास कर रही है किस पॉइंट से, यस टू कॉमा माइनस फाइव कॉमा वन से, तभी तो पोजीशन वेक्टर होगा, तो आप समझ गए कि एक पॉइंट यहाँ डेफिनेटली ऐसा कुछ है जो टू कॉमा माइनस फाइव कॉमा वन कोऑर्डिनेट रखता होगा, यहाँ से हमारी लाइन पास करती होगी, यहाँ से हमारी लाइन ऐसे कर कर पास करती होगी, ठीक है, तो ये वेक्टर क्यों लिखा हुआ ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये इसका वेक्टर फॉर्म होती थी ना, ओरिजिन से पॉइंट को कनेक्ट करते थे जो हमें गिवन होता था, वो उसकी वेक्टर फॉर्म होती थी, उसे हम ए नाम देते थे, अभी के केस में ए वन बोल रखा, ए वन वेक्टर कौन है, ये चीज, क्लियर, पूरी स्टोरी समझ में आ रही है, अच्छा तो ये बी वन क्या करता होगा, फिर बी वन कुछ नहीं करता था, वो इसकी पैरेलल जो फैमिली होती थी कर्व की उसे रिप्रेजेंट करता, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था यहाँ पर लैम्डा कुछ फैमिली लिखकर, क्योंकि ना ये मैं कहूँ कि ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये अकेला तो इसके पैरेलल नहीं हो सकता, इसके पैरेलल तो इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो उन इन्फिनिट फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा चीज लैम्डा के साथ आनी चाहिए, क्योंकि जो सबके सब कोलिनियर वेक्टर होते हैं ना, फर्क क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का, इसलिए लैम्डा टाइम्स लग गया, डायरेक्शन सबकी क्योंकि सेम होती है तो पूरा वेक्टर ये ओवरऑल एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लैम्डा सिर्फ आपकी उसकी मैग्नीट्यूड को देगा, तो क्योंकि इसके पैरेलल सारे ही वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क रखेंगे, इसलिए लैम्डा टाइम्स का डिफरेंस आ गया सभी में, तो कोई कहेगी भाई ये कौन सा, आप बोलना ये है वो चीज, ये एज अ जनरल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी वेक्टर को, लैम्डा भी साथ में इंक्लूड करा, अब दिखाने वाले लैम्डा को नहीं दिखा से, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने लैम्डा को अलग दिखाया बी को अलग दिखाया, तो हमने भी फिर बी को सुना, वो दिखाया नहीं जाएगा, ऐसी रफली दिखा दिया मैंने, मैं आपको समझा रहा हूँ स्टोरी ये है, मतलब ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए, करना करें ना करें आप पर डिपेंड करता है एग्जाम, लेकिन विजुअलाइजेशन ये होना चाहिए कि ये बातें हो रही है एक्चुअली स्पेस में, अच्छा एक को रिप्रेजेंट किया, अच्छा जी दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, अब ये कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, सेवन कॉमा यस, सेवन कॉमा यस, सेवन कॉमा जीरो कॉमा माइनस सिक्स, क्योंकि इसका जे का कंपोनेंट, ध्यान रखना जरा गलती मत करना, अच्छा हमें नहीं पता वो कैसा होगा क्या होगा, मैं एक रफली बना रहा हूँ, मैं ऐसा पैरेलल नहीं बनाऊंगा, परपेंडिकुलर नहीं बनाऊंगा, एक जनरल बनाता हूँ, अब जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, फिलहाल मैंने बोला मान लिया वो पॉइंट यहाँ होता होगा,
जो ये पॉइंट है 7, 0। अब थोड़ा बहुत हम पे थोड़ा बहुत इतना माइंड है कि हम समझ पाते हैं बात को कि ये एक्स वाई जेड है, वाई इसका जीरो है, डेफिनेटली ये एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देखो जनरली बना देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ ये देखने से दिख रहा है कि ये एक्स जेड प्लेन में लाई करता हुआ, और वैसे भी हम थोड़ा सही बना रहे थे, एग्जैक्टली यहीं कहीं होता हुआ तो ठीक है, फिर यहीं कहीं लाई करता हुआ, ऐसे ही बोला मैंने। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली लोकेशन दिखाओ, सुन लो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली लोकेशन दिखाओ, लेकिन फिर भी खेलते हुए चलो आराम से, 7, 0, -6 तो कहीं यहीं कहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं रखना, कहीं भी रख लो, अब यहां रख लो, वहां रख लो, कहीं भी रख लो, कहीं दिखाना है ना लोकेशन, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, इसलिए चल रहा है काम। अच्छा, इस पॉइंट से हमारी लाइन जाती है, ओके ठीक है, तो ये ऐसे जाती होगी कुछ, ठीक है। अब वो क्योंकि ना बहुत जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से जाए, इसलिए मैं नहीं ले रहा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ना जाए, क्या पता जा रही होगी, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि जनरल केस में। अच्छा, तो अब क्या करते थे, ये तो हमारी वो लाइन की लाइन है जो पास करती है, यानी ये लाइन है हमारी जो रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये मैं सोचना, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो ये इक्वल है, नहीं नहीं ये जनरल वेक्टर है, ये भी जनरल वेक्टर है दोनों के लिए, तो फिर क्या काम होता है, ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई, तो हमारा अच्छा ये ए टू वेक्टर कौन है, ए टू वेक्टर एक्चुअली ये जिसको ओरिजिन से कनेक्ट किया, पूरी स्टोरी समझो, वरना तो कोई बाहर से आकर समझने लग जाए आपके अलावा, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के अलावा, उन्हें समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है, आपको क्लैरिटी के साथ पूरी स्टोरी समझ में आ रही क्या चल रहा है। ये हमारे वो पोजिशन वैक्टर से इस लाइन का, और ये है हमारी इस लाइन का, अरे ये वाला किसी वेक्टर के पैरेलल होगा किसी फैमिली के, तो वो भी मान लिया इस फैमिली के पैरेलल होगा, अरे ये आपका इसके पैरेलल होगा, यानी कि इसका भी वेक्टर टाइप जो होगा जिसे आप V2 कहेंगे, ये A2 टाइप हो गया, वो आपका कितना होगा i क्या प्लस 2 j क्या प्लस 2 के, ये है बात। मैंने आपके सामने ना लगा के दिखा दिया कि ये हो रहा है, ये सब अपने माइंड में चलना चाहिए। अब मेरे माइंड में था, कैसे दिखा था आपको मैं कि मेरे माइंड में ये, तो मैंने दिखा के रख दिया, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ जो मेरे माइंड में चल रहा है, मैं उसे उतार दे रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में या ग्रीन बोर्ड में, ठीक है ना। अब मैं वैसे बात करता वो समझ में नहीं आती, अब मैं यहीं से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आप इस पर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं हो होना, मैंने पहले ही कह दिया, ठीक है ना। जाता है तो क्वेश्चन लंबा जाए, लेकिन मेरी बात समझते हुए चलो आराम से, एक बात समझ में आ गई तो हमेशा के लिए छप जानी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, मुझे वो बताओ डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है, इस लाइन का डायरेक्शन ये डिफाइन कर रहा है, इस लाइन का डायरेक्शन ये डिफाइन कर रहा है, यानी सीधी सी बात बताऊं कि जो डायरेक्शन डिफाइन करने वाली टर्म है ना वो ये है, समझ लो ना कि ये पैरेलल जा रहा था ऐसे करके, डायरेक्शन डिफाइन करने वाली टर्म है। क्यों ये है डायरेक्शन डिफाइन करने वाली टर्म, क्योंकि इनके जो ये 1, 2, 2 दिख रहे हैं ना आपको, इसके लिए जो आपको 1, 2, 2 दिख रहा है ना, और इस वाली लाइन के लिए जो आपको 3, 2, 6 दिख रहा है ना, these are the direction ratios of the these two lines, ठीक है, direction ratios of two कह लेता हूँ, direction ratio first, ये वही हैं स्टूडेंट जिन्हें आप A1, B1, C1 नाम देते थे, ये वही हैं जिन्हें आप A2, B2, C2 नाम देते थे एंगल निकालते समय। अब मुझे सीधी सी बात बताओ, उस वेक्टर का नाम हमें दिख रहा है ना कि कुछ A1, I क्या, मतलब वो जो वेक्टर है उसे मैंने लिखा, चलो दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पर वेक्टर मुझे दिख रहा है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, कुछ बी वेक्टर टाइप का B1 कह लेता हूँ। अच्छा, एक मुझे दूसरा वेक्टर दिख रहा है कुछ ये टाइप का, B2 वेक्टर टाइप का, जो सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको ये टाइप का, मुझे और उसे कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे तो एंगल चाहिए ना, मैं एंगल देने वाले टर्म्स को पकड़ के ले आया, वो वहां से एंगल देता था, वो यहां से एंगल देता, यानी ये वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही हमारा एंगल है, बस बात खत्म, ये निकालो। अब क्या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना नहीं जानते, ये तो हम एक्सरसाइज 10.3 से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम जानते हैं ना, कि एप्लीकेशन थी टू डिटरमिन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, बस बीच का हटा दे रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं है इसका, काम था इन दोनों का बस। ये मैं पहले भी डायरेक्ट कह सकता हूँ, आप एग्जाम्पल देखना, पहले भी कहा जग गया है, सब में यही होगा, यही काम है, लेकिन अगर आपको इतना ही क्लियरिटी के साथ समझ में आता तो आप यहाँ नहीं आ रहे होते, आप एग्जांपल ही देख लेते, अब मेरे ख्याल से पूरी क्लियरिटी, इसे रब करो, कोई काम नहीं है इसका, काम था इनका जो मैंने निकाल कर दिया। अब इसको भी मैंने क्योंकि नोट कर लिया, इसका भी कोई काम नहीं है, अब क्योंकि इसको भी मैंने नोट कर लिया, इसका भी कोई काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ बची ये लाइन। अब मैं रफली थोड़ा सा एक और बार बता देता हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह, मैं उसको इतना डिटेल में नहीं दूंगा, मैं उसको सीधे काम करूंगा उस पर, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मुझे वो बताओ, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, आप जानते हो ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का कि टू डिटरमिन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कॉस थीटा निकालना है, मैं क्या बोलूंगा
a vector dot b vector over modulus of a modulus of b, ये ऐसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स गिवन है, इनके डॉट हो सकते हैं, इन दोनों के सेपरेटली मॉडुलस निकल सकते हैं, तो फॉर्मूले में क्यों नहीं रख सकते। तो रखना स्टार्ट करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट ले लो, थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा, थ्री वन जार थ्री हो जाएगा, टू टू से मल्टीप्लाई होगा, टू टू जो फोर हो जाएगा, सिक्स टू से मल्टीप्लाई होगा, सिक्स टू जो ट्वेल्व हो जाएगा। ऐसे जो निकालते हो डॉट प्रोडक्ट, एक एक करके मॉडुलस निकालना स्टार्ट करो, पहले फर्स्ट का फिर सेकेंड का, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी, आई वन इसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर एट, फोर थ्री सेवन, सेवन ट्वेल्व नाइनटीन, नाइनटीन यस, फोर्टी नाइन स्क्वायर रूट सेवन, सेवन हो गया, सेवन आया आंसर, एट नाइन थ्री आया आंसर, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन, दैट्स इट। समझो ना आराम से बात को, एंगल निकालना था आराम से, चाहो तो ऐसा भी बोल लो, एक ही बात, ये बुरी बात है। अब ये आंसर दो मिनट का काम था, पहली बात बता दूँ, लेकिन जो हमने काम किया ना ये है जो लॉन्ग लाइफ रहने वाले, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से, इतनी सी बात थी, समझ के बात को। अब हमने क्या समझा, हमने समझा कि जब भी किसी वेक्टर के लाइंस के बीच का एंगल निकालते हो तो आगे वालों से कोई मतलब ही नहीं रहता, रहेगा भी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ये प्रोवाइड कभी कर ही नहीं रहे, डायरेक्शन तो उनके पीछे वाले वेक्टर दे रहे थे। लाइन की इक्वेशन समझिए, समझते हो, मैंने समझाया, समझते हो। तो ये दो वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर कंसिडर कर कर थीटा निकाल लिया करो, सीधे फॉर्मूला रखकर, कोई अलग से फॉर्मूला याद करके मत आना कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ओवर स्क्वायर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर स्क्वायर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, वो याद करके मत आना। मैंने सीधा साधा सा एप्लीकेशन दिखाया आपको, वो डिराइव हुआ है वहां से, और उसको याद करके चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। बस ये समझने वाली बात है। अब अगर जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं क्योंकि डायरेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप इसे पीछे रिवाइंड कर देख सकते हैं, तो आपको अगर समझ नहीं आएगा आप देख लेना पीछे जाकर, ठीक है ना। इसलिए मैं इस पर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करता हूँ अगले इसके पार्ट पर, इसका पार्ट। और जरा थोड़ा सा अलर्ट होकर करा करो ऐसी चीज़ों को, तो खास तौर से क्योंकि इनके गलत होने के चांस है, क्योंकि आप कैलकुलेशन एरर कर सकते हैं, इसलिए आप लेजी होकर काम मत करना। ये सिर्फ मैं एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, मैं हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। अभी जैसे रहोगे एग्जाम में भी वैसे ही करते हैं, कुछ अलग नहीं होता उस दिन, ठीक है ना। ये एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फिफ्टी सिक्स के कैप प्लस म्यू टाइम्स थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप माइनस फोर के कैप, इज़न्ट इट। थ्री वन माइनस टू, वन माइनस वन माइनस टू, टू माइनस वन माइनस फिफ्टी सिक्स, थ्री माइनस फोर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझो, आराम से समझो। जैसा कि मैंने कहा, अब आप ना आपका काम किया, जैसा मैंने काम किया एग्जैक्ट वैसा काम इस पर शुरू से लेकर लास्ट तक करना, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है ना। वही स्टूडेंट सक्सेस होगा जो मेरी इस बात को मान रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया। स्टूडेंट ध्यान से सुनो अब, क्योंकि आप पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से बात है। आपकी सक्सेस आपकी चॉइस है, इस बार ध्यान रखना, सक्सेस हमेशा चॉइस ही होती है, ना कि चांस होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपकी चॉइस है, आप करते हो तरीके से तो सक्सेस है आपके पास, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है ना। हमें पता है ये कुछ नहीं करने वाला, हमें पता है ये कुछ नहीं करने वाला, डायरेक्शन का काम ये और ये दो करेंगे। इसको उठाकर ले आओ डायरेक्शन, अब आपकी मर्जी, आप उसे कुछ भी नाम दे दो। मैं ए वन ए वैक्टर बोल देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है वो बी वन टाइप का कुछ है, मुझे पता है ये बी टू टाइप का कुछ है, क्या फर्क पड़ता। हमने इसे ऐसे बोल दिया क्योंकि मुझे पता है मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रखूंगा यहाँ अलग से, मैं सीधे एप्लीकेशन लगाऊंगा 10.3 का, आराम से मैंने रखा। अब कोई आपसे कहता कि इन दो वेक्टर्स का एंगल निकालो, कैसे नहीं निकाल पाते हैं? हम जानते हैं वही वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा के बीच का एंगल, हम डॉट प्रोडक्ट लेने पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि ये कर लोगे तो एंगल हाथ में होगा आपके, आराम से काम करो। वन बाय वन आई कैप थ्री, थ्री हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, माइनस वन माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस टू प्लस एट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लेके पहले इसका मॉडुलस फिर इसका मॉडुलस ले लो, कॉस थीटा निकलेगा नहीं निकलेगा, आराम से इसका स्क्वायर रूट वन, वन टू का स्क्वायर फोर, ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, दैट्स इट। फाइव एट एट सिक्सटीन होता हो ना, सिक्स स्क्वायर रूट का
कितना हो गया 25 और 9 कितना होता है 34, 34 10 कितना होता है 44 प्लस 6 50। क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई एप्लीकेबल है हम जानते हैं, तो 16 अपॉन स्क्वायर रूट 50 कितना हो गया इतना बोल दो। अब किसी को लगता है 300 को हम ब्रेक कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, टेन स्क्वायर रूट थ्री कहा जा सकता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 ओवर 10 स्क्वायर रूट थ्री, 300 को ना 2 8 16 2 5 10, तो आपका आंसर एक तरह से हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 ओवर 5 रूट थ्री स्क्वायर रूट थ्री, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बस यही है, समझ में आ रही बात। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एग्जाम में कभी ये मान लिया मोर देन 2 मार्क्स का आता है ना, तो तरीके से समझा के कर लेना, बहुत बढ़िया आएगा, मजा आ जाएगा।